उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां, यहां श्रीनगर स्थित संयुक्त अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने एक व्यक्ति की नाक से जिंदा जोंक निकाली है, जो विगत एक महीने से उनका खून पीकर 6 इंच लंबी हो गई थी। आपको बता दें कि यह श्रीनगर का दूसरा मामला है। इससे पूर्व मार्च 2023 में श्रीनगर के डांगचोरा की एक महिला के सांस नली में एक जिंदा जोंक फंस गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने दूरबीन विधि के जरिए ऑपरेशन कर जोंक को बाहर निकाला और महिला की जान बचाई थी। संयुक्त अस्पताल के ENT सर्जन डॉक्टर दिगपाल भट्ट के अनुसार उनके पास रुद्रप्रयाग तिलवाड़ा निवासी नरेश भट्ट नाक में दर्द और खून बहने की शिकायत लेकर आए थे। ये शिकायत उन्हें एक महीने से लगातार थी। नरेश भट्ट ने रुद्रप्रयाग के कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। चिकित्सकों ने उन्हें ब्लड टेस्ट और CT स्कैन कराने का सुझाव दिया। जब यहां संयुक्त चिकित्सालय में उनका चेकअप किया गया तो उनकी नाक में 6 इंच लंबी जोंक निकली, जो कि एक माह से उनका खून पी रही थी। इसके बाद उपकरणों की सहायता से उनकी नाक से जोंक निकाली गई, जिसके बाद मरीज को राहत महसूस होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। आपको बता दें कि पहाड़ों में खुले स्थानों पर बहने वाले जल स्रोतों में छोटे आकार की जोंक रहती है, जो कि पानी पीते समय नाक में प्रवेश कर जाती है या फिर श्वास नली में जा सकती है, और यह कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।